दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फर्जी आदमी करार देते हुए कहा, बिना जानकारी लिए स्वामी आत्मानंद स्कूलों के नाम को बदलने का आरोप साय सरकार पर लगा रहे हैं। कहीं भी स्वामी आत्मानंद के नाम को विलुप्त नहीं किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूलों को भी पीएम श्री योजना में समाहित करना हमारा उद्देश्य है, ताकि केंद्र की राशि का सदुपयोग वहाँ हो सके। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव के साथ सांसद विजय बघेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भूपेश बघेल बिना सोचे समझे साधु संतों का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आता है। यह हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में है, हमारे रग रग में भी है। सभी पत्रकार भाइयों बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों बाद दो दो चुनाव होने के बाद, एक तो प्रदेश का चुनाव और उसके बाद देश का चुनाव पूरा नहीं हुआ लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में संपन्न हो चुका है, उसके बाद एक बार फिर से आप सबके साथ रूबरू होने का अवसर मिला। फिर से एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ माननीय संजय श्रीवास्तव जी हैं, माननीय भाई अनुराग ठाकुर जी हैं, ए अनुराग अग्रवाल जी हैं। जैसे अभी अग्रवाल जी ने बताया कि एक महत्वपूर्ण विषय, अभी जो पीएम श्री स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई साल तक विचार मंथन के बाद इस योजना को लॉन्च किया, और मेरा सौभाग्य कि मैं उस समय लोकसभा में एक सांसद के रूप में उपस्थित था, और चहुं ओर इसकी तारीफ की गई, इसकी प्रशंसा हुई। बहुत सारे शिक्षाविदों से राय लेकर, हमारे छत्तीसगढ़ से कई लोगों ने इसमें अपने राय दिए थे, और एक अच्छी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति बनी। और जो मानव संसाधन विभाग का, उसका नाम बदलकर शिक्षा विभाग किया गया, शिक्षा मंत्री के नाम से अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम से वो पद जाना जाने लगा, जिसके हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने फरवरी महीने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसकी शुभारंभ किया छत्तीसगढ़ में, और पहले चरण में 211 स्कूल और दूसरे चरण में 500 से अधिक स्कूलों को चयनित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी जो दूसरे चरण में ये बातें आई कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में भी अच्छी सुविधा होनी चाहिए, केंद्रीय फंड का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो आरोप अभी लगा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो पता नहीं बिना सोचे समझे, बिना किसी से जानकारी लिए अपनी मनगढ़ंत बातें छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार साधु संतों का अपमान करती है। स्वामी आत्मानंद जो नाम दिया गया उसको हटा रहे हैं, सरासर झूठ है, गलत है, और ये फर्जी आदमी हमेशा फर्जी बात करता है। बिना जानकारी लिए किसी के ऊपर आरोप लगाना ये एक आपराधिक कृत्य भी माना जाएगा। आप पहले जानकारी ले लो, साधु संतों का मान सम्मान करना उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आती है, ये हमारे संस्कार में है, हमारे डीएनए में, हमारे रग रग में, लेकिन बिना सोचे समझे। और अपमान तो उन्होंने किया है, स्वामी आत्मानंद जी के नाम से विद्यालय खोल दिए, लेकिन व्यवस्था क्या थी, एक रुपया बजट में प्रावधान नहीं। आज भी आप जानकारी लीजिए कलेक्टरों से,
जो डीएमएफ फंड है उससे उनको तनख्वाह दी जाती है, भर्ती नहीं हुई, पुराने जो शिक्षक थे उससे ही व्यवस्था चलाई जा रही थी, सारे लिपा पोती वहां पे रंग रोगन डीएमएफ फंड से होता था। और ये आरोप हमने उस समय भी लगाया था, माननीय शिवरतन शर्मा जी ने तो आरोप लगाया, उदाहरण सहित आरोप दिया विधानसभा में कि एक भी फंड नहीं है स्वामी आत्मानंद जी, ये स्वामी आत्मानंद जी का अपमान है। और वो बहुत बड़े हितैषी बन गया, जबकि हम माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय योजनाओं के तहत उसको समाहित करके वहां अच्छी व्यवस्था देने की शुरुआत करने का एक ऐलान किया तो उनको तकलीफ होने लगी। कहीं भी स्वामी आत्मानंद जी के नाम को विलुप्त नहीं किया जा रहा है, स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी पीएम श्री में समाहित की योजना में समाहित करना यह हमारा उद्देश्य है, ताकि केंद्र की राशि का सदुपयोग वहां भी हो सके और एक अच्छी व्यवस्था बच्चों को मिल सके, वहां के प्राध्यापकों को मिल सके। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी की योजना है और यही बात मैं आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं, और बाकी आप सब तो नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी आप सबको लग चुकी है कि कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, क्या मापदंड होगा, और मापदंड के अनुसार ही उसके चयन किए जाएंगे। 211 जो पूर्व चिन्हित किए गए विद्यालय हैं वो मापदंड के अनुसार कि वहाँ खेल की मैदान की व्यवस्था हो, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर हो, आगे और जो भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से कैसे उसको मजबूत किया जाए, ये व्यवस्था